वहाँ कोई है, चलो उन्हीं से पूछते हैं। हेलो सर, यहाँ भूतों के डर से बोट वालों ने आना बंद किया है, तो आप यहाँ कैसे? हाँ हाँ, सुना है कि यहाँ की मूर्तियाँ कहानियाँ सुनाती है। मैं किसी मूर्ति के पास जाता नहीं, तो मुझे कोई मूर्ति परेशान नहीं करती। ये भी बोल रहे हैं कि मूर्तियाँ कहानी सुनाती है। हम अपना बिस्तर का तजुर्बा में कभी किसी मूर्ति को कहानी सुनाते हुए नहीं देखा। तो जाओ किसी भी मूर्ति के बदन में कान लगा के सुनो। वेलकम टू द स्टोरी सेशन। आप अकेले सुनेंगे या ग्रुप के साथ? पूरे ग्रुप को बुला लीजिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। पूरे बाबा स्टोरी सेशन में वेलकम कर रही है, पूरे ग्रुप को बुला रही है। अरे क्या सीताराम, तुम तो इतना डर रहे हो जैसे तुम्हें डरने का 20 साल का तजुर्बा है। लाओ मैं सुनता हूँ इसकी स्टोरी। हाँ, अरे कहाँ कुछ सुनाई दे रहा है। अकेले अकेले क्यों आ रही हो? आओ पूरे ग्रुप को एक साथ स्टोरी सुनाती हूँ। अरे लगता है यहाँ सही में भूत है रे। उतरो नीचे। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? बहुत बहादुर बनकर गए थे ना। बोला था मैंने कान मत लगाना स्टैचू में, सुना नहीं? अब भुगतो। अब तो वो स्टोरी सुना के ही रहेगी। भैया ये मूर्ति तो जिंदा हो गई। आप लोगों का यहाँ स्वागत है स्टोरी सेशन में। नहीं वो तो बाद में, आज इत्तेफाक से मेरी शादी है और ये माला जिसके गले में पड़ेगी उसके साथ मेरी शादी हो जाएगी। फिर हम दोनों मिलकर सबको स्टोरी सुनाएंगे। नहीं नहीं भागो, इसकी माला तो गड़बड़ छाला है। मुझे भूत से शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। 20 साल का तजुर्बा में हम कभी भी भूत से शादी के बारे में कभी नहीं सोचा। तुम सोच लो और कर लो शादी। मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई। आइए मेरे स्वामी, मेरे प्राणनाथ, अंदर चले और स्टोरी सिलेक्ट करें। बुढ़ी बाबा, मुझे ना तो तुम्हारा स्वामी बनना है और ना ही प्राणनाथ। तुम प्राणनाथ बना के हमारा प्राण ले लोगी। ये फ्लाइंग हेलमेट ले लो, अपनी जान बचा लो यार। बहुत बहादुर बनकर उड़ते हुए आए थे, अब उड़ते हुए जाएंगे। अब तो ये जगह हमारी हो जाएगी, फिर हमको कोई नहीं निकाल पाएगा। ओए कम से कम आज तो मान लो कि मेरे फ्लाइंग हेलमेट काम आ गया यारी। अरे भैया ये फ्लाइंग हेलमेट तो क्या हुआ? मेरी यार इनकी बैटरी खत्म हो चुकी है, अब उड़ नहीं सकते है यारी। बुढ़ी बाबा जल्दी भागो नहीं तो भूतनी मुझे ढूंढते हुए बाहर आ जाएगी। डॉक्टर झटका, ट्रेन उड़ा दो, किसी भी तरह ट्रेन उड़ा दो। मैं देखता हूँ यार, कुछ करता हूँ। मेरी यार ट्रेन चालू हो गई यार। चल 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 चल। ओए मार सुनिए पापड़ वाली नो, ये तो घुंघरू की आवाज है, ट्रेन की नहीं। स्टोरी सेशन में आपका स्वागत है। यात्रियों से निवेदन है ट्रेन से उतर जाए, सब मेरे हस्बैंड घसीटाराम ही ट्रेन में रहे, हम घूमने जाएंगे। उड़ी पापा, पापड़ी बचा, हमें भूतनी का हस्बैंड नहीं बनना है। Huh?
बाय बाय। पिछली बार मैं पीछे रह गया तो शादी के चक्कर में फंस गया, इस बार मैं आगे रहूंगा। अरे घुंघरू की आवाज तो आ रही है, लेकिन वो मूर्ति कहाँ है? मोटू सुनो, मुझे लगता है कोई हमें डरा रहा है। अपने फियर को कंट्रोल करो, अपने फियर को कंट्रोल करो, फियर को कंट्रोल करो, फियर को कंट्रोल करो। आप लोगों का यहाँ स्वागत है। पतलू, मैं फियर को तो कंट्रोल कर लूंगा, पर मैं खाली पेट को कंट्रोल नहीं कर सकता। कुछ करो ना प्लीज। आइडिया सुनो, वेलकम टू स्टोरी सेशन। अकेले सुनोगे या साथ साथ सुनोगे? साथ साथ सुनेंगे। सुनेंगे। अरे ये तो स्टोरी सुनने को कह रही है, आप क्या करें? ए, किसी को स्टोरी आती है क्या? बाओ बाओ फ्लैगशिप। अरे ये स्टोरी नहीं है। हाँ मुझे आती है, एक चिड़िया बहुत सी चिड़िया। और ये भी स्टोरी नहीं है। स्टोरी नहीं सुनाएंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये नकली भूत हैं। मैं कुछ करती हूँ, तब तक तुम लोग स्टोरी सोचो। अरे कहाँ हो भूतनी जी, स्टोरी नहीं सुनाओगे? वो तो ये आ तो गई पर कहानी नहीं सुना रही है। वो हमें फंसाने की कोशिश कर रही है। नहीं नहीं, अब देखो मेरा रिबन वाला डांस। पतलू पकड़ लिया, आ जाओ। उड़ी बाबा, हमारा 20 साल का तजुर्बा में पहली बार किसी भूतनी को हेल्प मांगते हुए देखा है। अरे भूतनी जी हेल्प मांग रही है। कौन है? हैंड्स अप। अरे ये गन वन अंदर करो, इसका हम पर कोई असर नहीं पड़ता है। आप तो ये बताओ कि चक्कर क्या है? चक्कर वक्कर कोई नहीं है, मैं बहुत बड़ा बिल्डर था, बिजनेस में सब खत्म हो गया तो यहाँ रहने चले आए। सोचा लोगों को डरा के भगा देंगे तो ये अपना प्राइवेट आइलैंड हो जाएगा। हाँ। तो आप नकली काका हो? मैं कोई काका नहीं रे, मैं तो इनका पापा हूँ। अच्छा, पूरी की पूरी फैमिली। अब चलो, अब सब जेल चलो, बुरे काम का बुरा नतीजा। अरे हमें कौन जेल भेजेगा? अच्छा तो आप लोग ऐसे नहीं मानोगे। हटा तो ले चले इन्हें पुलिस स्टेशन। हाँ यारी। काम हो गया, चलो। लोगों को बहुत डराया है ना तुमने, अब चुपचाप बैठो और अब ये ट्रेन सीधा पुलिस स्टेशन के सामने रुकेगी।